प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में आपको हिंदी विषय के काव्य खंड के प्रथम कवि संत कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया एवं समझाया गया था। आज हम लोग संत कबीरदास जी की जो साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, उनमें से साखी संख्या 1 से साखी संख्या 5 तक की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, जिससे कि इसको समझने के उपरांत इससे संबंधित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखकर भेज सकें। तो सबसे पहले प्रथम साखी देखिए, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानिश तय देवता करत न लागी बार। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। आपने माने अपने, देवहाड़ी यानी दिन भर में अपने शरीर को, कई बार मतलब कई बार, मानिश माने मनुष्य, करत न लागी बार मतलब देर नहीं लगी। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी अपने सतगुरु के महत्व को बताते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सतगुरु, मैं आपके प्रति अपने आप को न्योछावर करता हूं। देवहाड़ी कई बार, मैं दिन भर में कितनी बार अपने शरीर को, स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर दूं, बार बार अपने शरीर को आपके प्रति समर्पित करता हूं, बार बार अपने आप को आपके प्रति न्योछावर करता हूं, क्योंकि जिन मानिश ते देवता, आप ही की कृपा से आपने ही अपनी मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देरी नहीं लगाई। एक बार पुनः पूरी साखी की व्याख्या सुनिए और समझिए। हे सतगुरु, मैं दिन भर में कई बार अपने पूरे शरीर को, अपने आप को आपके प्रति न्योछावर करता हूं, समर्पित कर देता हूं, न्योछावर कर देता हूं, आपके प्रति बलिहारी जाता हूं, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। साखी संख्या 2, ध्यान से देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। प्रस्तुत साखी में भी कबीरदास जी ने अपने सतगुरु की अनंत महिमा और अपने ऊपर किए गए उनके अनंत उपकारों के संबंध में बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, हमारे सतगुरु की महिमा अनंत है, उनकी महिमा का कोई भी अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा अनंत उपकार भी किया, अर्थात उन्होंने जो उपकार मेरे ऊपर किया है उसका कोई भी अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे नेत्रों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटा करके मेरी दृष्टि की क्षमता को, मेरे नेत्र की क्षमता को अनंत शक्ति प्रदान कर दी। मेरे अनंत नेत्रों को मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, अनंत दिखावणहार, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं उस अनंत परमात्मा के दर्शन कर सकता हूं। अथवा यूं समझिए कि उन्होंने मुझे अनंत परमात्मा को दिखाने वाली, अनंत परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली दिव्य दृष्टि प्रदान की। एक बार फिर से सुनिए, मेरे सतगुरु की महिमा का कोई भी अंत नहीं है, और उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किए हैं, मेरे प्रति अनेक उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
क्योंकि उन्होंने मुझे उस अनंत परमात्मा का साक्षात्कार करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्हीं की कृपा के परिणाम स्वरूप मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं अनंत परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हूं। साखी संख्या 3। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आवो हट। इस साखी में कबीर दास जी ने सतगुरु की कृपा के माध्यम से संसार रूपी बाजार के आवागमन चक्र से जीवात्मा को जो मुक्ति मिली है उसके संबंध में बताया है। दीपक दिया तेल भरी, मेरे सद्गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में अपने स्नेह का तेल भर दिया, बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी। पूरा किया विसाहुड़ा, जब मेरे सद्गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में अपने स्नेह का अपने प्रेम का तेल भर दिया और उसमें अपने ज्ञान की अक्षय कभी नष्ट न होने वाली बत्ती डाल दी, तो पूरा किया विसाहुड़ा, तो उसके आलोक में मैंने सांसारिक आवागमन का जो क्रय विक्रय था उसको पूरा कर लिया, बहुरी न आवो हट। इसलिए अब मुझे फिर से इस संसार रूपी बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आना नहीं पड़ेगा। अर्थात उनकी कृपा के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान की बत्ती उन्होंने डाली उससे जो प्रकाश प्राप्त हुआ उसने मैंने सांसारिक आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया और अब मुझे पुनः इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। साखी संख्या 4। बूढ़े थे परिउभरे, गुरु की लहर चमंगी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंगी। इस साखी में एक बार पुनः कबीर दास जी ने अपने गुरु की कृपा के संबंध में बताया है। संसार को सागर मानते हुए बूढ़े थे परि उभरे, गुरु की लहर चमंग, जब तक मेरे भीतर अज्ञान था तब तक मैं संसार रूपी सागर में पूरी तरह से डूबा हुआ था। गुरु की लहर चमंग, तभी अचानक सतगुरु की कृपा रूपी लहर चमक उठी। भेरा देखा जर्जरा, और जब सतगुरु की कृपा रूपी लहर चमकी तो मैंने यह देखा कि जिस बेड़े पर मैं सवार था वह बेड़ा बड़ा ही जीर्णशीर्ण था, उतर पड़े फरंगी, और तुरंत ही मैं उस पर से कूदकर उतर गया। एक बार पुनः सुनिए, बूढ़े थे परि उभरे, गुरु की लहर चमकी। मैं इस संसार रूपी सागर में पूरी तरह से अपने अज्ञान के कारण डूबा हुआ था, डूबने ही वाला था कि गुरु की लहर चमक, कि सतगुरु की कृपा रूपी लहर चमकी, जिससे मैंने यह देखा कि भेरा देखा जर्जरा, जो बेड़ा जिस पर मैं सवार हूं वो बड़ा ही जीर्णशीर्ण है, और सतगुरु की कृपा रूपी उस लहर ने मुझे उस जीर्णशीर्ण बेड़े से उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे मैं इस भवसागर में डूबने से बच गया। साखी संख्या 5। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया है कि जो भी हरि का दास होता है, जो भी हरि का भक्त होता है, उसे सांसारिक वस्तुओं की कोई भी चिंता नहीं होती। चिंता तो हरि नाम की, जो भी ईश्वर के भक्त हैं, जो उनके दास हैं, या स्वयं कबीरदास जी ने अपने लिए भी कहा है कि मुझे अगर किसी बात की चिंता रहती है, मैं किसी बात का चिंतन करता हूं तो मात्र ईश्वर के नाम का चिंतन करता रहता हूं, और न चिंता दास, अन्य किसी सांसारिक बात की मुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं किसी सांसारिक वस्तु का चिंतन नहीं करता हूं। जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास, क्योंकि जो
ईश्वर का दास है, जिसने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है, जिसको हरि के नाम की चिंता हो गई है, जिसने हरि नाम का चिंतन कर लिया है, वह जो कुछ भी इस संसार में देखता है, राम के बिना जो कुछ भी देखता है, वह सब का सब काल के पाश में आबद्ध है, अर्थात नश्वर है, नाशवान है। और ठीक यही स्थिति कबीर दास की भी है कि जो कुछ भी वह राम के बिना देखते हैं इस संसार में, वह सब कुछ नश्वर है, काल के पाश में बंधा हुआ है। इसलिए उनको एकमात्र हरि के नाम की चिंता रहती है, हरि के नाम का वो चिंतन करते हैं, अन्य किसी सांसारिक विषय वस्तु का कोई भी चिंतन, कोई भी चिंता उनको नहीं रहती, वो किसी अन्य सांसारिक विषय वस्तु का